हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ में बिगॉस RUV 350 भारतीय बाजार में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ में देखने को मिलने वाला है। इस स्कूटर के डिजाइन एंड लुक्स को अगर आप देखोगे तो स्कूटर और बाइक का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर नजर आएगा, जहां पर काफी अच्छा लुक एंड डिजाइन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब मुझे पर्सनली जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। आपको तो कैसे लग रहा है आप मुझे घूमने बताना। अब इस स्कूटर के साथ में कंपनी क्या कुछ फीचर ऑफर करने वाली है, सारी डिटेल देने वाला हूँ इस बैकग्राउंड वीडियो के साथ में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देता हूँ। हो सकता है आपने बिगॉस का नाम पहले सुना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे हो। तो बिगॉस इलेक्ट्रिक जो है ये एक इंडियन कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, और ये कंपनी आती है यह RR ग्लोबल के अंदर। अब RR ग्लोबल के अंदर RR काबिल्स आता है, जो कि वायर्स केबल्स वगैरह बनाते हैं। काफी पॉपुलर ब्रांड है, अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह की नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा। और उसी का ये एक वेंचर है जहां पर कंपनी जो है वो बिगॉस के नाम से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बना के देती है। और बिगॉस कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई 90% से ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन है वो लोकलाइज है, यानी कि पार्ट्स, पैनल्स, अलॉयज, टायर्स, ज्यादातर चीजें या तो इंडिया में ही बनी है या फिर कंपनी ने इन हाउस डेवलप की है। कुछ एक पार्ट्स जैसे कि बैटरी सेल्स और मोटर की मैग्नेट वगैरह जो है वो कंपनी ने बाहर से इंपोर्ट की है। तो ये तो हो गई कंपनी और स्कूटर की बात। अब बात करते हैं भाई कंपनी यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स आपको दे रही है। तो सामने से देखने पर स्कूटर जो है कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। जो लाइटिंग सेटअप है वो कंप्लीट आपको LED देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम, LED, DRL सब कुछ LED में दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये भी LED में दिए गए हैं। फ्रंट में जो पियानो ब्लैक फिनिश आप देख रहे हो ये फाइबर का पैनल है। इसके अलावा जितना भी आप ग्रे पार्ट देख रहे हो, यानी कि जो मेन बॉडी है वो आपको मेटल पर कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फोक गेटर्स के साथ में, और अलॉयज का साइज अगर आप देखोगे तो 16 इंच के अलॉयज आपको देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अलॉय के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बॉडी कलर है उसके उसके साथ में कंपनी ने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। और फ्रंट में आपको 80x80 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है 130mm ड्रम ब्रेक्स के साथ में, और रेयर के अंदर आपको 130mm ड्रम ब्रेक्स के साथ में 90x80 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। टायर जो है वो TVS से लिए गए हैं। साथ ही टेल सेक्शन देखते हो तो यहाँ पर आपको ये LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स भी आपको LED देखने को मिलते हैं, और बड़ा सा ये मडगार्ड देखने को मिलेगा। टायर जो है वो थोड़ा सा पतला आपको नजर आएगा, और ग्रैब हैंडल जो है ये भी आपको मेटल पर दिया गया है। साथ ही इस स्कूटर के अंदर जो बैटरी है वो 3 kWh की देखने को मिलेगी, जिसके साथ में जो रेंज है वो लगभग 120 किलोमीटर की ट्रिप रेंज आपको कंपनी बता रही है। हालांकि जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो आपको 135 किलोमीटर की कंपनी बता रही है। अब देखते हैं कि कितनी रेंज ये स्कूटर देता है। और इस स्कूटर के साथ में आपको कंपनी 3 राइडिंग मोड्स ऑफर कर रही है। पहला है इको, दूसरा है राइड, और तीसरा है स्पोर्ट्स। टॉप स्पीड की बात करें तो 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो ये स्कूटर आपको निकाल कर देगा, और 0 to 40 अगर आप करते हो तो 5.8 सेकंड का टाइम आपको लगेगा स्पोर्ट्स मोड के अंदर। तो पावर वगैरह जो है वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। डायमेंशंस की बात करें तो 1335 mm का व्हील बेस है, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 785 mm की सीट हाइट है, और 122 किलोग्राम का आपको वजन मिलता है। तो सीट हाइट वगैरह भी डिसेंट है, शॉर्ट हाइट राइड वगैरह जो है वो भी आराम से इस स्कूटर को चला पाएंगे। बाकी स्कूटर के अंदर कंपनी आपको ऑफर करती है 5 इंच का एक कलर TFT डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलेंगे। मोबाइल कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ से आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं बिगॉस एप्लीकेशन के थ्रू, और वहां पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, तो अडेप्टिव डिस्प्ले बन जाता है ये। धूप वगैरह में ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलेगी, छाव में जाएंगे तो ब्राइटनेस जो है वो डिम हो जाएगी। और यहाँ पर जो बटन है, कंट्रोल्स हैं, उनके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रिवर्स मोड मिलता है, यहाँ से मोड बटन है जहां से आप राइट मोड चेंज करोगे, और यहां पर एक फ्लैग लगाया गया है जो कि ये बताता है कि भाई ये एक इंडियन ब्रांड है और एक इंडियन स्कूटर है। तो उसके लिए यहाँ पर तिरंगे का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, और यहाँ हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह आपको देखने को मिलता है। साथ ही नीचे की तरफ आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बकेट दिया गया है जिसमें आपको अच्छा स्पेस मिलता है, 2.2 लीटर के आसपास का ये स्पेस है, और आगे आप अच्छा खासा सामान जो है वो रख सकते हो। साथ ही एक स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको खोल सकते हो, और ये लगभग 4.5 लीटर का स्पेस है। और ये स्पेस क्यों दिया गया है, ये स्पेस
ये स्पेस इसलिए दिया गया है क्योंकि जो अंडर सीट स्पेस है वो आपको मिलता है 15 लीटर का, और इसके अंदर आपका एक हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा स्मॉल साइज का, लेकिन आप चार्जर वगैरह नहीं रख सकते हो। तो अगर आपको चार्जर वगैरह को रखना है तो वो फिर आप आगे वाले स्पेस में रख सकते हो। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर एक बटन मिलता है वेकेशन मोड के लिए। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए स्कूटर को बंद कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ से आप वेकेशन मोड पे डाल सकते हो, तो आपकी बैटरी जो है वो बहुत कम ड्रेन होगी, ऐसा कंपनी का कहना है। बैटरी प्लेसमेंट यहाँ पे है, 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जैसे मैंने पहले बताया। रेंज वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो ये स्कूटर देने वाला है। अब आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताओ। अब स्कूटर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताओ। सेफ्टी के ऊपर कंपनी ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में, ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो पेटेंट कराई है वो तो है ही है। उसी के साथ साथ पर सेकंड ये स्कूटर 1500 से ज्यादा सिग्नल जो है पूरे स्कूटर में शेयर होते हैं, जिसकी वजह से 120+ सेफ्टी फीचर्स आपको इसके साथ में मिलते हैं। और सेफ्टी के अंदर आपको हिल होल्ड भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको सेफ्टी के लिए यहाँ पर फॉल सेफ भी देखने को मिलता है। तो स्कूटर चलाते हुए अगर आप गिर जाते हो तो स्कूटर की पावर जो है वो तुरंत ही कट हो जाएगी, तो सेफ्टी आपको मिलेगी। और अगर आप ढलान पे हो, ऊंची जगहों पे हो, तो स्कूटर जो है वो पीछे नहीं जाएगा, तो वहां पर भी आपको सेफ्टी देखने को मिलती है। तो कुछ सेकंड का समय आपको मिलता है स्कूटर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बिगॉस RUV 350 के साथ में कंपनी ऑफर कर रही है। अब ये स्कूटर आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। कीमत वगैरह फिलहाल कंपनी ने नहीं बताई है, 25 तारीख के आसपास कंपनी इसको ऑफिशियली लॉन्च करेगी, तो उस टाइम पे जो है इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल राइड रिव्यू डिटेल्ड वीडियोज भी आपको 25 के बाद ही देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ वो क्राउंड था जहाँ मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ फीचर जो है वो आपको बिगॉस RUV 350 के साथ में कंपनी ऑफर कर रही है। तो कैसा लगा कॉमेंट करो, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।